हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ा होगा वीडियो के, मैं खिलाड़ी नंबर वन शो अभी खेल रहा हूँ सीएनबीसी आवाज चैनल पे, और ये आज का शो है। आप देख सकते हो 9 जून 2020, आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी सेल दिया था, एंड बजाज फाइनेंस मैंने सेल दिया था, बजाज फाइनेंस 2515 पे सेल दिया था मैंने, एंड 2200 का टारगेट है। ये अभी भी ओपन है, अभी क्लोजिंग प्राइस है 2430 के आसपास। तो इसमें एक काफ़ी अच्छा पैसा बना है। एंड मैंने एक और कॉल दिया था आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट, आप देख सकते हो मेरे ये दो कॉल्स थे, बजाज फाइनेंस मैंने सेल दिया था एंड आईसीआईसीआई बैंक मैंने सेल दिया था 366 के आसपास। 346 तक आए ये, 347 के आसपास क्लोज हुआ ये। अगर आप मुझे टीवी चैनल पे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा ये दोनों ट्रेड में, बजाज फाइनेंस में भी एंड आईसीआईसीआई बैंक में भी। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग खिलाड़ी नंबर वन शो एवरी डे 11 to 11:30 AM, ये टाइमिंग है शो का, 11 से 11:30 लाइव आता हूँ मैं, और आप देख सकते हो और आप फॉलो भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। निफ्टी अगर आप देखें, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि वो गैप के रेजिस्टेंस के आसपास था और 10,300 क्रॉस नहीं कर पा रहा ये। अब हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, और कल हम लोग एक्सपायरी के नज़दीक है वेनेसडे। वेनेसडे नॉर्मली एक बड़ा मूवमेंट आता है, तो मुझे लगता है कल भी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है निफ्टी 9,900 ये जो लेवल है 9,900 ये लेवल एक बार टेस्ट करते रीटेस्ट करें 9,900 के आसपास। सो कल मुझे लगता है 9,850 9,900 के लेवल एक बार वापस टेस्ट हो सकते हैं। कोई भी इंट्राडे में बाउंस आता है तो उसको आपको शॉर्ट की तरफ ही यूज़ करना है, कल भी सेलिंग की तरफ ही आपको ज़्यादा फोकस करना है निफ्टी में भी। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट यही है 19,800 के आसपास। अगर ये 19,900 का लेवल भी टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है 19,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी कल अगर कोई भी इंट्राडे बाउंस आता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, शॉर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप डाउ जोन्स फॉलो करते हो तो डाउ जोन्स में भी आज गिरावट हमें देखने को मिली है, काफी दिनों बाद उसमें एक फॉल में देखने को मिला है, तो डेफिनेटली एक फ्रेश राउंड ऑफ सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही मेरा व्यू अभी बेरिश है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको पहला स्टॉक दिया था टाइटन बाय अबाउ 1050, टाइटन 1050 के ऊपर गया नहीं तो डेफिनेटली ये हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने सेल दिया था आपको टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने दिया था 194 के नीचे, और आप देख सकते हो इसने ऑलमोस्ट 188-189 का लो बनाया है, तो इसमें इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा बना। एंड सन टीवी मैंने सेल दिया था 389 के नीचे, ये लास्ट मोमेंट पे एकदम ट्रिगर हुआ और 386 तक इसने लो बनाया है, तो इसमें एक थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड था। और ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस दिया था शॉर्ट सीएनबीसी आवाज चैनल पे, ये मेरे ट्रेड्स अभी भी ओपन है। और अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल अगर आप देखें स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, ज़्यादातर लोग इसमें बुलिश हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें 540 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है और एग्रेसिवली ओवरबॉट था ये। अब मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 540 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो, कौन से लेवल पर शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 52 वीक हाई फ्रेश ब्रेकआउट दिया इसने, और इसमें मुझे लगता है यहाँ से 4,300 ये टारगेट्स आते हैं, तो यहाँ से करीबन 100-150 रुपये का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। 100-150 रुपये के अपमूव के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप देखो तो ये एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देगा ऑन द अपसाइड। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक काफ़ी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। 500 तक मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट कर सकता है, और अगर 500 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। सो महिंद्रा महिंद्रा काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा बाई साइड, कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।